आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई से सटे थाना के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर की, जहां पर 200 ग्राम गांजे के साथ जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर उल्लासनगर के मध्यवर्ती पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके में पुलिस ने छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देते हुए 200 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में फरार हो गया। दरअसल मध्यवर्ती पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधाकर सुरड़कर को मुखबिर से सूचना मिली कि विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास स्थित शास्त्री नगर में गांजे की बिक्री हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इलाके में पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मौके से 200 ग्राम गांजा बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इसके साथ ही फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। मध्यवर्ती पुलिस अंतर्गत विठ्ठलवाड़ी परिसरा मध्ये गांजाची माहिती आम्हाला मिळाली होती, त्यामुळे आमचे डीबी पथकाचे एपीआई खतीब कर्मचारी आणि आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी गेलो आणि ते संशयित इसमाला ताब्यात घेतले। त्यांच्याकडे जवळजवळ 1 किलो 200 ग्रॅम गांजा मिळून आलेला आहे। त्याचं नाव आहे असमुद्दीन शहीद शेख व 21 वर्ष राहणारा विठ्ठलवाडी परिसर शास्त्री नगर। आणि त्यांना आम्ही विचारलं की हे तुम्ही कॉन्ट्राबँड मटेरियल कुठून आणलं आहे गांजा, तर त्यांनी ते सय्यद शेख यांचं नाव सांगितलेलं आहे। त्यात सय्यदला पण आम्ही आरोपी केलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सय्यद शेख यांच्याकडून घेतलेलं आहे।